हेलो दोस्तों, सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है रफ्तार की तरफ से। तो आज बादशाह ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर की हुई थी जो कि थी रफ्तार की ही एक पुरानी स्टोरी। और इस स्टोरी में आप देख सकते हो रफ्तार ने एक 2011 की फेसबुक पोस्ट लगाई हुई थी जिसपे लिखा हुआ था, चंडीगढ़ वी कमिंग बेबी रफ्तार रोहित पटियाल एंड इंदीप सिंह लेट्स रोल बादशाह एंड सोनू रामगरिया कैन ऑलरेडी सी क्रिएशन। और इसको शेयर करते हुए रफ्तार ने लिखा हुआ था, अ फेसबुक पोस्ट फ्रॉम 2011, आई वॉज अ नोबडी बैक देन, आई ट्रेवल्ड विथ माई friends to meet him cause he wanted to make beats for me for free cause he knew of my financial situation, let me stay at his flat in Chandigarh and keep two of my friends too। हमने कमरे के पंखे से माइक लटकाया था रिकॉर्डिंग्स करने के लिए। वो गाना कभी रिलीज नहीं हुआ पर वो पहला असली रासा ट्रैक था, द ओरिजिनल रफ्तार बादशाह ट्रैक जब हमारा कोई वजूद नहीं था। इसके बाद इसी स्टोरी को शेयर करते हुए आप देख सकते हो रफ्तार ने लिखा हुआ था, RIP सोनू रामगरिया, सॉरी अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ, तो पहला साथ तेरा है बादशाह फॉर लाइफ। साथ ही रफ्तार ने अपने इंस्टाग्राम पे एक और स्टोरी डाली हुई थी आज सुबह, आप देख सकते हो, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज एल्स वेस्ट योर टाइम एंड पे द प्राइस। देखो वक्त ना समझ के खर्चोगे ना बहुत मजा आएगा, वरना वक्त निकल जाता है भाई। जितना हो सके उतना खर्चो और जितना जल्दी जागोगे उतना ज्यादा मिलेगा। तो अगली जो न्यूज़ वो आ रही है MEVA की तरफ से। तो जो मुनावर फारूकी हैं उन्होंने एक MEVA की क्लिप पर रिएक्ट करते हुए एक स्टोरी डाली हुई थी, आप खुद देख सकते हो ये क्लिप। जिसने मेरे को मजाक में लिया था वो भी इंसान अभी घर बैठ के सोचेगा कौन है ये। साथ ही इसको शेयर करते हुए MEVA ने लिखा हुआ था, सब रब का शुक्र है ब्रदर। तो अगली जो न्यूज है वो आ रही है डिवाइन की तरफ से। तो डिवाइन ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का उनका टूर अनाउंस कर दिया हुआ है, आप देख सकते हो डेट्स। साथ ही जो नेजी है उनकी आज एक नई EP रिलीज हुई है, तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।